तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी। मैम मैं जान सकता हूँ कि आपका जैसे कि आज लाइफ साइंस का एग्जाम था, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आए, कौन सी यूनिट में ज्यादा वेटेज था एंड कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस हुए हैं, ये मैं जान सकता हूँ? जो पार्ट सी था वेटेज पार्ट सी का ज्यादा होता है, 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और इकोलॉजी वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा। ये और पार्ट ए के अंदर रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। कोई एक क्वेश्चंस बता सकते हो उसमें से? जैसे कि एप्टीट्यूड के अंदर तो क्वेश्चन था कि सर्कल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एंड अलग अलग नेम के नेम है उनका, और अलग अलग उन्होंने सन में जैसे कॉलेज ज्वाइन किया है, तो किसने कॉलेज पहले ज्वाइन किया है, किसने बाद में किया है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे। और जैसे कि प्लांट बॉटनी से भी क्वेश्चंस थे, तो उसमें से फैमिली के क्वेश्चंस आए थे, टेटोफाइट्स के क्वेश्चंस आए थे, ये चीज़ थी। तो मेनली जो क्वेश्चंस थे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, और पार्ट बी से कोई यूनिट आपको याद आ रही हो? पार्ट यूनिट के अंदर मेनली इकोलॉजी वाला सेक्शन ज्यादा पूछा गया था। कोई ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ कोई भी एक क्वेश्चन को याद आ रहा हो, माइंड में चल रहा हो कि क्योंकि यार मैं उसको करके नहीं आया तो मेरे माइंड में चल रहा हो? एक क्वेश्चन था, वो था गैमेटोजेनेसिस पे, कि जो स्पर्म के अंदर आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि एग की वॉल को रप्चर करता है, एंड ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि एग्जाम को अगर कहेंगे कि कैसा एग्जाम हुआ? मॉडरेट था, इजी भी नहीं था तो टफ भी नहीं था। अच्छा, मॉडरेट था। और कुछ बोलना चाहेंगे कि आपके एग्जाम के, ओवरऑल एग्जाम के बारे में, एबीसी जो पार्ट था आपका ग्राफिकल से, कोई क्वेश्चन आया आपका वैसे? बेसिकली तो क्वेश्चंस जो थे ग्राफिकल नहीं थे, वो सारा जो RAPDRFLP जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है उस पे क्वेश्चंस थे। एग्जाम के बारे में यही है कि अगर पिछले साल के क्वेश्चंस रिवाइज किए जाए तो डेफिनेटली ये एग्जाम्स निकाल सकते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि PYQ अगर हम वो करें तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं CSIR नेट। ठीक है।